Hey, you said it'll be fun. So when does the fun part start, huh? Recording for the Rock and Tools is live. In 3, 2, 1. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे पॉडकास्ट के परिचयात्मक प्रस्तुति यानी कि इंट्रोडक्टरी सीजन में। मेरा नाम गुरमीत है और मैं आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ पंचतंत्र की कुछ कथाएं। ये कहानियाँ कोई नई नहीं है, बस अब उतनी सुनी नहीं जाती। इन कहानियों में कुछ न कुछ संदेश यानी मॉरल लेसन है, जिसकी महत्वता अब पहले की तुलना कहीं ना कहीं कम हो गई है। न कोई प्रस्ताव, न कोई उपसंहार, अपने में ही पूरी होती है पंचतंत्र की कथाएं। मूल रूप से कहें तो ये निबंध की तरह होती है, जो कि किसी न किसी नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। कभी मनोविज्ञान, कभी व्यवहारिकता और कभी राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती ये कहानियाँ सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती हैं तथा साथ ही साथ एक सीख देने की कोशिश करती है। मेरी ये प्रस्तुति मेरे पॉडकास्ट की पहली प्रस्तुति है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर सुनने के बाद आप कोई सुझाव देना चाहें या आलोचना करना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल द रकंतूज इज लाइव पर दे सकते हैं। TheRakontuseIsLive। अगर आपको पसंद आए तो आशा है आप इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। मेरा उद्देश्य उन कहानियों को याद कराना और सुनाना है जो लोगों ने पढ़ी तो थी पर भूल बैठे हैं। कहानियाँ जो आनंद देती हैं, पाठ देती हैं और रोजमर्रा के आजकल के तनाव से विकर्षण भी। वो क्या कहते हैं, एन एस्केप फ्रॉम द नॉइज, सॉफ्ट एंटरटेनमेंट। याद रखिएगा, अगर मुझे लगा कि ये कहानियाँ अच्छी हैं और आप इन्हें सुन रहे हैं तो मैं ऐसी कहानियाँ लाती रहूँगी। तो अगर आपको पसंद ना आई हो तो प्लीज बताइएगा जरूर, और अगर पसंद आई हो और आपके अनुसार कोई सुधार की गुंजाइश हो तब भी बताइएगा, कोशिश करूंगी उस पर अमल करने की। मेरी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और स्थानीय भाषा हिंदी है, तो सोचा शुरुआत हिंदी कहानियों से ही करूं। और पंचतंत्र की कहानियों से और बेहतर विकल्प हो भी क्या सकता था। ये कहानियाँ हिंदुस्तान की पौराणिक नीति कथाओं का संग्रह है। इन कथाओं का अस्तित्व तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है। इसके असली रचयिता कौन है ये निश्चित तौर पर तो नहीं कहा गया है, लेकिन पंडित विष्णु शर्मा का नाम इसके लेखक के रूप में बताया जाता है। पर ऐसा भी माना जाता है कि ये नाम केवल इसकी रचना के लिए इस्तेमाल हुआ है, पर वास्तविक रूप में विष्णु शर्मा नामक कोई लेखक नहीं है। मेरा मानना है तथ्य कल्पना से अजीब होता है। फैक्ट्स आर स्ट्रेंजर देन फिक्शन, सो आई लीव इट एट इट एंड मूव ऑन। अर्थात छोड़िए ये सब, आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। याद रहे मुझे बताइएगा जरूर कहानी कैसी थी।